Have you ever wondered कि क्यों कुछ लोग सबके फेवरेट बन जाते हैं? क्या तुमको भी एक्सपीरियंस करना है कि कैसा लगता है किसी का फेवरेट होना? तो ये वीडियो एंड तक देखो. Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. यहीं कहीं पे मेरा यूजर नेम होगा Instagram और Facebook का. मुझे फॉलो कर लेना अभी तक आपने नहीं किया होगा तो. And if you would like to be part of my YT fam, you can follow these steps. Click here to subscribe and press the bell icon, then you will never miss my new update. Number 1, you don't have to think of them. जिनके फेवरेट बनना है उन्हीं के बारे में मत सोचो, क्योंकि जितना सोचोगे उतना नर्वस होगे. एंड नर्वसनेस इज नॉट अट्रैक्टिव. यू नो, हमें ये लगता है कि पता नहीं उसे ये पसंद आएगा या नहीं. आई मीन, तस्वीर की बात हो या आपका कोई थॉट हो, जो आपको पसंद आएगा दिल से वही सबको पसंद आएगा. इट वर्क्स लाइक मैजिक. पर पार्शलिटी मत करना कि ये टेढ़ा है पर मेरा है टाइप. जो आपको जेन्युइनली अच्छा लगे ना, वो लाइक खुद से प्यार करो तो लाइफ है. दूसरों पे जान छिड़कना तो मतलब अपनी खुशी किसी और के हाथ सौंपना है. ज्ञान बाय मयू. नंबर 2, मुस्कुरा कर बात करो. इसको ध्यान से समझना, मुस्कुरा के बात करना और बात करते हुए मुस्कुराना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. वेडिंग स्टेज पे खड़े कपल नहीं लग जाना तुम, ना ही वो लुका छुपी की आंटी हाय हेलो जी बेटा जी कैसे हो, कितना वक्त हुआ तुम्हारी शादी को, अच्छा. दिस वॉन्ट मेक एनी वन लाइक यू. बिना हिचकिचाए बात करो और उसके बाद एक स्माइल करो. इससे आप सामने वाले को वेल मैनर्ड लगते हो और अनोइंग या चिपकू नहीं. नंबर 3, खुद की केयर करो. सम पीपल वॉन्ट्स दूसरों की सिंपत्ति, वैसे दोनों आजकल तो बहुत ही ज़्यादा. थोड़ा सा कहीं पे कट गया, सॉरी यहाँ पे कट होने से मर जाता है इंसान. थोड़ा सा कहीं पे कट गया तो फोटो खींच के भेज देते हैं कि देख मेरी लग गई इधर, और सामने वाला भी सोचता है कि अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो इसको रूड लगूँगा, तो वो भी थोड़ा दुख जता देता है. बट डू यू थिंक ऐसा करने से आपकी इमेज अच्छी हो रही होती है उसके माइंड में? नहीं हो रही होती है. जब आप खुद का केयर करते हो और खुद को मतलब एकदम स्ट्रांग दिखाते हो, तब वो सोचता है कि वाह यार मेरे को तो ज़रा सा कुछ होता है, मुझे मन करता है कि कोई मुझे पैम्पर करे, और ये इंसान ज़रा भी ऐसे पैनिक नहीं कर रहा है एंड खुद के बारे में सोच रहा है, केयर कर रहा है, मस्त है ये. अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि मैम आप भी तो फीवर होने पे कम्युनिटी पोस्ट डालती हो कि इस वीक वीडियोस नहीं आएंगे, तो वो मैं सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं डालती हूँ वो. हालांकि ये बात सही है कि आप लोग की दुआएं लग जाती हैं, मैं जल्दी से ठीक हो जाती हूँ और वापस से कंटेंट पे वर्क करने लगती हूँ, पर वो सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं होता है, वो इन्फॉर्मेटिव वे में होता है कि ताकि आप लोग को पता रहे और आप लोग इंतज़ार ना करो वीडियोज़ का, और आप लोग को पता रहे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है. और ये वीडियो अच्छा लगा है तो रुको, लाइक करने से पहले कमेंट शॉर्ट आउट बहुत दिन से नहीं हुए हैं, क्योंकि संडे सॉल्यूशन सीरीज जब से बंद हुआ है तो कमेंट शॉर्ट आउट भी नहीं हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि रोज़ के वीडियो में 3 कमेंट ऐड किया करूँगी. मैं पहली बार चैनल मेंबरशिप में जो लोग हैं उनके कमेंट इंक्लूड कर रही हूँ 3. पहला गोपीराम का कमेंट है, इंसान का सोचने विचारने का तरीका व्यक्ति को सबसे अलग करता है. गोपीराम जी, मुझे आपका यह ख्याल बहुत अच्छा लगा. दूसरा कमेंट भी इन्हीं का है, न जाने कितने लोग अपनी सांसें थामे तुम्हारी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं. एक्चुअली मैं एक वीक से डाल नहीं पा रही थी वीडियो, एक वीक से नहीं, एक ही दिन मिस हुआ, तो इसलिए उन्होंने कहा ऐसे. थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू. तीसरा कमेंट है कुणाल जागिंद का, सम जेन्युइन टिप्स गॉट ऑन YT, थैंक्स मयूरी. एंड थैंक यू कुणाल, आपने चैनल मेंबरशिप लिया और अपना सपोर्ट जताया. और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट. प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन एवरी वेंसडे सैटरडे शाम 6 बजे, मिस मत करना. लव यू ऑल. वो लुका छुपी की आंटी हाय हेलो सॉरी फिर मैं संपत्ति क्यों लिखूंगी, सिंपत्ति लिखा है ना. इसको मैं इंक्लूड भी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर संपत्ति जैसा प्रोनाउंस हो रहा है तो ओके बोलती हूँ. थोड़ा कहीं पर कड़ी मतलब पता है कहीं मैं जैसे ना लिख रही होती हूँ तो जैसे पहला थॉट आता है ना वही लिखती हूँ, ताकि ना नेचुरल लगे. वो आंटी झाड़ भी रही है तो जैसे कहीं पे थोड़ा सा कट गया करके मैंने ऐसे किया, तो मुझे याद है नहीं, सॉरी यहाँ पे कटने से मर जाते हैं.